ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूअस ईआर, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने इंडेफिनिट देखा, जिसमें चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, मतलब तीनों के इंडेफिनिट देखे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तीनों के कंटिन्यूअस देखेंगे। इसी तरीके से एक नया वीडियो आएगा, न्यू वीडियो आएगा, जिसमें परफेक्ट का देखेंगे, तीनों के परफेक्ट। फिर न्यू वीडियो आएगा जिसमें हम परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस देखेंगे। मतलब केवल तीन से चार वीडियो में आपके सारे के सारे सेंटेंसेस क्लियर हो जाने, पूरा का पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे आने वाले जितने भी इंग्लिश ग्रामर सारी आप डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले अपन समझें अगर कंटिन्यूअस को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कंटिन्यूअस का मतलब हो, कंटिन्यूअस बना है कंटिन्यू से वर्ड से, ठीक है, स्पेलिंग से नहीं कंटिन्यू की, हाँ चलो ठीक है। तो कंटिन्यू का मतलब क्या हो सकता है हिंदी में अगर हम लिखें, तो जारी हो सकता है, जारी मतलब प्रोसेस में हो काम, ठीक है, प्रोसेस की प्रोग्रेस, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो काम चल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, चल रहा, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे पास कि कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम चल रहा है, अब चाहे वो प्रेजेंट में हो। जब प्रेजेंट में काम चलेगा तो जैसे कि मैं तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ा रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। पास्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे कल मैं इंडेफिनिट इसी टाइम पे पढ़ा रहा था हो गया था, समझ रहे हो, ऐसे आएगा। फिर परसों में, आई मीन कल, आने वाले कल में मैं पढ़ा रहा होऊंगा, क्या हम ऐसे कह सकते हैं। बहुत आसान टेंस है, अगर तुम अपने रियल लाइफ से, डेली लाइफ में अगर इसे आप एंगेज करो तो बहुत आसान लगेगा टेंस, ठीक है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट में अगर कोई काम चल रहा है तो रहा है बोल सकते हैं, पास्ट में अगर काम चल रहा था तो रहा था बोल सकते हैं, फ्यूचर में रहा होऊंगा, रहा होएगा, ऐसा करके कुछ, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ना हम। चलो आगे देखें, तो आगे बढ़े हम, जस्ट वेट, देखो इसके एक डेफिनेशन भी है, पहचानने का तरीका, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, कि वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा होगा प्रेजेंट में, वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट में, वर्क इन प्रोग्रेस फ्यूचर में, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में काम चलेगा, सभी का फंडा वही है। पहचान क्या है इसकी, भाई मैंने बता दिया रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में भी बताऊंगा कैसे पहचानेंगे। अब पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, फ्यूचर में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होगी, ठीक है। इंडेफिनिट का फंडा क्या था, ता है, ती है, ते हैं, ता था, या था, थे, और इसमें गागेगी। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या है, रहा है, रही, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो एक चीज समझना बात को, मैं एक पर्सनली तुम्हें बड़ी सीक्रेट की बात बता रहा हूँ कि क्या होता है, प्रेजेंट की पहचान होती है थ और ग। अगर इतनी चीज तुम्हें याद है ना, अगर इतना चीज तुम याद रख सकते हो अपने माइंड में, तो क्लियर रहेगा तुम्हें कि है क्या चीज ये। ग आएगा तो फ्यूचर में जाएगा, थ आएगा तो पास्ट में, है आएगा तो प्रेजेंट में, इतना क्लियर रखो पहले, ठीक है। चलो भाई देखो समझना बात को, सेंटेंस में क्या जाए, सेंटेंस में अगर इज एम आर क्या जाए, इज एम आर प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म आ जाए, क्या जाए बाबू, इज एम आर आ जाए हेल्पिंग वर्ब, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी फॉर्म जिसे कहते हैं, फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी फॉर्म, ये आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्लियर हो रहा है इतना। इसके बाद हम देखें, अगर तुम्हारे सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए बाबू, वर्ब, वॉज वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तब तुम समझ जाना पास्ट कंटिन्यूअस का है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद फिर देखिए हम, तो विल सेल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म, मतलब विल सेल भी आएगा और बी भी आएगी, बी को मत छोड़ना नहीं तो वह इंडेफिनिट का बन जाएगा। तुम्हें अगर याद होगा, अगर तुम इंडेफिनिट एक बार रिवाइज करें, तो इंडेफिनिट सेंटेंस की, टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल सेल केवल, लेकिन कंटिन्यूअस की होती विल सेल प्लस बी, तो विल सेल प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म अगर आ गया तो तुम समझ जाओ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। समझ में आया, हिंदी में तुम पहचान गए कैसे होगा, इंग्लिश में भी पहचान गए कि कैसे होगा, ऐसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों का, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब भाई सबसे पहली चीज होती है ना, पहचानो सब्जेक्ट। मैंने तुम्हें बताया था कि तीन चीजें होती है टेंस में, सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब, क्लियर। ऑब्जेक्ट केवल एक ही होता है, ठीक है। तो इन्हीं से सारा कुछ चलता है भाई, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है हमारा ही, सी, इट, या किसी का नेम आ रहा है, ठीक है। हालांकि आई भी होता है, लेकिन टेंस में इसे अलग से रखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं रखा जाता है साथ में, कहीं कहीं नहीं रखा जाता। तो समझना बात को, जो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, या किसी का नेम आते हैं, इनको साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, ठीक है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं इज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और फिर आगे जब आगे बढ़ते हैं बताता हूं मैं, और एक सेकंड, हाँ,
देखिए लो फर्म। फिर ये जो प्लूरल सब्जेक्ट बचे, वी यू दे कौन कौन से, वी यू दे, और अगर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट आ गए तो उनके साथ हम लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे बाबू, आर लगाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। इसके बाद बचा देखो, इज चला गया, आर चला गया, बचा एम, तो एम लगाएंगे आई के साथ केवल। बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है, बहुत से लोग इंडेफिनिट सेंटेंस में एम लगा देते हैं। भाई इंडेफिनिट में एम का कहीं सवाल ही नहीं उठता, समझो बात को। इज एम आर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से हम पास्ट की अगर बात करें तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, अब देखो आई इसमें अलग से इकट्ठा आ गया, पहले यहाँ भाग गया था, इन लोगों के भगा दिया था, अब यहाँ फिर से आ गया भाई, ठीक है। तो आई ही सी इट या किसी का नेम है, उसके साथ हम लगाते हैं, या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे वॉज। क्या लगाएंगे, वॉज। इसे बहुत से लोग वाज पढ़ते हैं, इट्स नॉट वॉज, इट्स वॉज, ठीक है। फिर यह है वेयर की वर, वर, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है, वी यू दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट जो भी बनते हों उनको हम बोलते हैं, उनके साथ हम लगाएंगे वर, ठीक है। अब देखो बहुत से लोगों के माइंड में ये भी कंफ्यूजन होगा कि और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, और अदर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे बोल दो माई फादर, माई मदर, ठीक है, तो सिंगुलर में आ जाएगा। वैसे माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, फैमिली तो मान लो सिंगुलर में आएगी, जो मतलब ऐसी चीज़ें जो माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, ये सारी चीज़ें प्लूरल में आती हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना कि और अदर सिंगुलर प्लूरल क्या बन जाएंगे। चलो आगे बढ़े, फ्यूचर की बात करें अगर, तो जो सेल, तुम्हें पता है कि सेल आई वी में लगता है, तो सेल भी आई वी में ही लगेगा। और बचे हेल्पिंग वर्ब, बचे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल पूरे, सारी चीज़ें किस में लगेगी, आई मीन विल भी लगेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। इतना फंडा क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव देख लेते हैं। अभी इंडेफिनिट इसके पिछले वीडियो में देखा, अब कंटिन्यूअस देख लेते हैं। और कंटिन्यूअस का कौन सा, अफर्मेटिव, मतलब सिंपल सा अफर्मेटिव, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। कभी कभी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं या फिर एकेडमिक्स एग्जाम होते हैं स्कूल वाले, उनमें पूछ लेता है कि अफर्मेटिव क्या है, सिंपल क्या है, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि सिंपल कौन सा, अफर्मेटिव क्या है, ठीक है। और कंटिन्यूअस को एक और सेंटेंस बोलते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव, तो इतना याद रखना। चलो सेंटेंस देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं पहले भाई, आई मीन स्ट्रक्चर, सॉरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे तुम मैथ्स का सवाल लगाते हो ना, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, वो स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उसी तरीके से अगर तुम्हें सेंटेंस फॉर्म करना है तो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला तुम्हारे कंटिन्यूअस में, क्योंकि सारी चीज मैं केवल स्ट्रक्चर के साथ ही करूंगा, कोई मैथ्स के सवाल जैसे माना कि नहीं कर दूंगा, मतलब जैसे स्ट्रक्चर बना वैसे ही तुम्हारा सेंटेंस फ्रेम होगा। चलो आगे बढ़े, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो है, सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेम फंडा इसमें कुछ है पास्ट कंटिन्यूअस में कि सब्जेक्ट वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, अदरवाइज सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो पंक्चुएशन मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि बहुत जगह बहुत से स्कूल जो होते हैं हिंदी मीडियम स्कूलें होती हैं, वहाँ पंक्चुएशन मार्क्स नहीं पढ़ाए जाते, ठीक है, कि फुल स्टॉप क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है, कॉमा क्या है, डैश क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और ये अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो सेल विल सेल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस देख लें हम, वह मुझे डरा रहा है, वह मुझे डरा रहा था, वह मुझे डरा रही होगी, ठीक है। मैं एक ही वर्ब ले रहा हूं और सारे चीजें कॉन्सेप्ट को समझना इससे आसान लगता है। देखो सबसे पहले भाई बोलना स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना स्ट्रक्चर के माध्यम से चलूंगा मैं, सब्जेक्ट पहले क्या भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लड़की है, वह लड़की है ना, तो सी लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब बोला भाई ही सी क्या है, सिंगुलर है, तुम अगर यहां देखोगे तो ही सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज लगती है यार, सी इज, वर्ब लगाएंगे स्केयर, स्केयर मीन डराना, डराना की इंग्लिश होती है स्केयर, और उसमें लगा देंगे आई एन जी तो हो जाएगा स्केयरिंग, सी इज स्केयरिंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, मुझे, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई। इसके बाद हम देखें वह मुझे डरा रहा था, डरा रही थी, लड़की है तो सी लगाएंगे, वही फंडा, सी सिंगुलर है भाई, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं देख लो अच्छे से, तो वॉज लगाएंगे यार, ठीक है, तो सी वॉज स्केयरिंग मी, सेम फंडा इसमें है ना, आसान। अगर हम साथ में तीनों टेंसेस को पढ़ें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो बहुत आसान लगता, अलग अलग पढ़ोगे तो दोबारा से भेड़िया तसान भुच हो जाएगा, तो पूरा हवा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अंगड़िया देखें, तो वह मुझे डरा रही होगी, लड़की है, सी लगा, सी के साथ हम क्या लगाएंगे देखो, यहाँ सी के साथ हम लगाते विल बी, लगा दिया भाई विल बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्केयरिंग मी, सी विल बी स्केयरिंग मी, कितना आसान, एकदम से चुटकी हो जैसा। तुम व्रत रख रही हो, तुम व्रत रख रही हो भाई, देखो यू
आर यू के साथ लगाते हैं आर, यहाँ देखोगे अगर तो यू आर फिर वर्ब की आईएनजी, कीप की फास्ट मींस व्रत रखना, तो कीप में लगा दिया आईएनजी कीपिंग फास्ट। अब ऐसे मत कर देना कीप फास्टिंग वो गलत हो जाएगा, कीप फास्ट होता है वर्ब व्रत। ऐसे होता है एक वर्ब होता है टेक बाथ, टेक बाथ बहुत से बच्चे करते थे बाथ डायरेक्ट, टेक बाथ सही है, इसे भी कर सकते हो लेकिन हम सावर लेते हैं यार, ठीक है तो टेक बाथ ज़्यादा करेक्ट है। इसके बाद आगे देखें तुम व्रत रख रही थी, तुम व्रत रख रही थी तो यू लगाया यू के साथ, अगर तुम देखोगे तो यू के साथ वर लगता है, यू वर कीपिंग फास्ट वही वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इसमें देखें तो तुम व्रत रख रही होगी यू के साथ लगाएंगे विल बी, या अगर हम यहाँ वी कर देते तो लगा देते सैल बी, ठीक है समझना बात को, वी सैल बी कीपिंग फास्ट। कोई डाउट नहीं यार, चलो आगे बढ़े। देखते हैं प्रेजेंट निगेटिव, ठीक है मतलब कंटिन्यूस का निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देख लो यार क्या है, स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब मतलब वही इज एम आर, इसमें नॉट लगाएंगे वर्ब पी आई एन जी ऑब्जेक्ट। इसमें पास्ट निगेटिव में क्या है भाई, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वही वज वर जो होती है हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्लियर हो रहा। इसके बाद फ्यूचर निगेटिव क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस निगेटिव, सब्जेक्ट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वही विल बी सेल बी नॉट बी, आई मीन एक चीज समझना है ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि जो विल बी सैल बी इकट्ठा आता है ना यार, विल बी सैल बी, तो अब क्या होगा यहाँ थोड़ी सी चेंज होगा, अब विल और बी के बीच में हम नॉट को घुसेरेंगे, ठीक है विल और बी के बीच में नॉट आएगा यार, सब्जेक्ट विल सैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है इतना। चलो आगे बढ़ो, मैं बारात में नहीं जा रहा हूँ, मैं बारात में नहीं जा रहा हूँ, तो देखो यार समझना सब्जेक्ट क्या यार, सब्जेक्ट हमारा आई है, क्या हम कह सकते हैं आई, बिल्कुल कह सकते हैं यार। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे आई के साथ, अगर तुम एक बार पेज पलट के देखोगे, अगर तुम नोट्स बना रहे हो राइटिंग करते जा रहे हो तो बढ़िया है, अदरवाइज अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर बड़ी दिक्कत जाएगी यार। देखो नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड चीज़ों को भूल बहुत जल्दी जाता है, और भूल जाता तो हम बार बार तो वीडियो नहीं देखोगे ना कि यार देख लेते आई पी एस इंग्लिश अकेडमी जल्दी से यूट्यूब में सर्च कर लो वीडियो, अब दिन भर तुम वीडियो तो नहीं देखते रहोगे क्योंकि यूट्यूब इतनी एड्स देने लगा है अब कि तुम खुद जानते होगे कि कितनी एड्स देता, फ्रस्ट्रेटिंग एड्स। तो नोट्स बना लो तो लिख ही रहेंगे, सीधे पलट के पेज देख लोगे, ठीक है तो नोट्स बनाते जाओ आसान पड़ेगा। हाँ तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब हमारी जाना, जो जाना की इंग्लिश होती है गो, गो में लगा दिया फोर्थ फॉर्म आई एन जी फॉर्म गो, इंग लगा दिया तो गोइंग हो गया। इसके बाद कहाँ बारात में, आई एम नॉट गोइंग ऑन ब्राइडल पार्टी, ठीक है चाहे ऑन कर दो टू कर दो एक बराबर ही है, ठीक है क्योंकि बारात में जाना है। इसके बाद हाँ बारात में जाना ही है यार चलो आगे देखें, मैं बारात में नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, फिर से एक बार रिवाइज मारो जल्दी से फटाक से, वो रावड़ी राठौड़ वाला वो जो अक्षय कुमार रिवर्स में डालता है ना अपना माइंड, वैसे रिवर्स माइंड में डालो और देखोगे तो आई के साथ वज लगता है, आई वज। इसके बाद हम लगाए नॉट और गो में आई एन जी गोइंग और फिर ऑन ब्राइडल पार्टी बारात में जाना, कोई दिक्कत फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। मैं बारात में नहीं जा रहा होऊंगा मतलब आने वाले टाइम पे। इसके बाद भाई आई, आई के साथ लगता है सेल, तुम्हें पता है सेल लगाया मैंने बताया सेल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा भाई, यहाँ बीच में इंटरफेयर कर रहा है इन दोनों के बीच में जो प्रेम था सेल बी के विल बी के बीच में, ये साला सौतान आ गया है, ठीक है तो आई सेल नॉट बी गोइंग ऑन ब्राइडल पार्टी, ठीक है तो अब एक चीज समझ लेना, ये जो सेल बी विल बी है ना बाबू, इनके बीच में सौतन बनते ही रहेंगे, इंट्रोगेटिव में इतना बड़ा और दो आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में तीन आ जाएंगे, मतलब क्या बताऊं तुम्हें, ठीक है चलो आगे बढ़ो, इतना समझ में आया पहले बताओ, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, वे परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, वे की इंग्लिश होती है दे, दे के साथ लगाएंगे आर, आर के बाद लगाएंगे नॉट, टेक वर्ब है, टेक एग्जाम मीन्स होता परीक्षा देना, देखो अब ये भी सोचो कह रहे हैं परीक्षा दे रहे हैं तो गिव एग्जाम ना होगा, लेकिन नहीं ये वर्ब ही होती है ऑटोमेटिक, इंग्लिश वाले भैया इंग्लैंड वाले बनाए तो हमें क्या पता, ठीक है तो इसका टेक एग्जाम मीन्स होता है परीक्षा देना, ठीक है तो टेक एग्जाम में हम आईएनजी लगा देंगे टेकिंग, अब ऐसा मत कर देना कि दे आर नॉट टेक एग्जामिंग, ठीक है एग्जामिन क्योंकि खुद जब एग्जाम तुम लोगे तब एग्जामिन करोगे, क्लियर हो रहा है तो दे आर नॉट टेकिंग एग्जाम। इसके बाद वे परीक्षा नहीं दे रहे थे, पास्ट में काम चल रहा है भाई, पास्ट में कर रहा था रही थी ऐसे आएंगे, दे लगाया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दे के साथ वर लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे एग्जाम्स, दे वर नॉट टेकिंग एग्जाम्स, कितना आसान है यार, वे परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, दे के साथ लगाएंगे विल फिर नॉट फिर बीच में आ गया था जो नॉट सौतन, बी लगाएंगे दे विल नॉट बी टेकिंग एग्जाम्स, कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव देख लो फटाक से, इंटरोगेटिव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों के स्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले
कि इज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगी, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, बस हो गया, इतना ही चेंज है, बस हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। क्वेश्चन मार्क भूला मतलब सेंटेंस पूरा गलत, ठीक है। मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ जहाँ स्कूल में, तो ऐसा ही होता है, वो क्वेश्चन मार्क भूल जाएंगे सेंटेंस गलत, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स नहीं देने वाला अगर तुम क्वेश्चन मार्क भूल गए इंटरोगेटिव में, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट में देख लो, तो वर्ड्स वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, विल सेल। अब देखो यहाँ देखो एक हंसा, एक और महाराज बैठ गए, एक और सौतान आ गई, दूसरी क्या है सब्जेक्ट। अभी नॉट हटा तो विल सेल, बी के बीच में आ गया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा फिर फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलो आगे, नेक्स्ट है क्या, वह आपसे बात कर रहा है। अब देखो वह है, लड़का है भाई, लड़का यहाँ समझ में आ रहा है, लड़का है ना, तो देखो अब लड़का है, ही लगाएंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ही सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, इज ही, फिर इसके बाद वर्ब है बात करना, बात करना की अंग्रेजी होती है टॉक, टॉक में हम लगाएंगे आई एन जी फॉर्म, टॉकिंग हो जाएगा, इज ही टॉकिंग किससे भाई, आपसे, टॉकिंग टू यू, इज ही टॉकिंग टू यू। अब ये कैसे पता चल रहा आपकी यू हो जाएगा, ये मैं प्रोनाउन के लेक्चर में पूरी चीज़ें तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि वह तुमसे बात कर रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, वो हमसे बात कर रहा है, वो उनसे बात कर रहा है, तो क्या लगाते हैं। अगर जिन्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो मैं प्रोनाउन के लेक्चर में तुम्हें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो, क्या वह बात कर रहा था भाई, कर रही थी, लड़की है भाई, सी है, सी के साथ हम लगाएंगे सिंगुलर, तो वॉज सी टॉकिंग वर्ब में आएंगे टू यू, वॉज सी टॉकिंग टू यू। सेम फंडा इसमें विल लगाएंगे ही सी के साथ, विल सी, देखो मैंने बोला ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर भी आएगा, विल सी बी टॉकिंग टू यू, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं यार। चलो आगे देखो, क्या आप अपना वर्क कर रहे हो, आपकी इंग्लिश होती है यू, हाँ आपकी इंग्लिश होती है यू, तो आपके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर यू डू में आई एन जी लगा दे, आर यू डूइंग योर वर्क क्वेश्चन मार्क, क्या आप अपना वर्क कर रहे थे, तो पास्ट है भाई, यू वर यू डूइंग योर वर्क क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम अपना काम कर रहे होंगे, तो सेल विल वी के साथ सेल लगाते हैं, तो सेल वी बी डूइंग अवर वर्क क्वेश्चन मार्क। समझ में आया ना, बहुत आसान है यार, बहुत आसान टेंस है, टेंस से आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़े, लास्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। अब इसमें दोनों आएंगे, मतलब इसमें क्या था, निगेटिव में क्या था, नॉट का फंडा था, और इसमें था क्वेश्चन मार्क, तो ये दोनों आएंगे, आप समझ गए ना इतना, इससे ये हिंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नॉट और क्वेश्चन मार्क दोनों आएंगे। चलो आगे देखो, स्ट्रक्चर देख लो पहले, हम भाई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, वही सेम फंडा इसमें, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब बी लगाएंगे फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलो आगे स्ट्रक्चर सेंटेंस देख लो, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो वह लड़का है, तो भाई ही लगाएंगे, इज ही, क्योंकि इज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, इज ही, फिर लगाएंगे नॉट, नॉट स्टडिंग वर्क की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो नहीं लगाएंगे, अगर होता कि क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा तो इज ही नॉट स्टडिंग इंग्लिश हो जाता। फिर इसके बाद है क्या वह नहीं पढ़ रहा था, वॉज लड़का है, ही नॉट स्टडिंग, ठीक है, वॉज ही नॉट स्टडिंग, ये सब देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया क्वेश्चन मार्क, और मतलब क्वेश्चन मार्क भी आ गया और नॉट भी आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन गया ना। इसके बाद अगला देखो, क्या वह नहीं पढ़ रहा होगा, लड़का है भाई, ही रखा, विल ही नॉट बी स्टडिंग, कितना आसान है, मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता यार मेरे हिसाब से। जो भी डाउट है तुम पूछ लेना, क्लियर कर दूंगा सारे टेंसेज, ऐसे ही क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हारे। चलो कुछ एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, अरे इकट्ठा देने का, हाँ ये है एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज है भाई, देखो लिखा है आर ही कमिंग टू मार्केट, इज सी रीडिंग बुक, दे वॉज कमिंग टू होम, सी विल कमिंग यस्टरडे, ही वर कमिंग टू मी, इनको क्या करना भाई, करेक्ट करना है, क्या करना है, करेक्ट करना है इन सेंटेंसेस को, समझना बात को, करेक्ट करना है, ये इनकरेक्ट है ये, ठीक है, गलत सलत लिखे हैं तुम्हें, करेक्ट करना है। इसके बाद है, और ये जो लिखी हुई है, क्या वह तुमसे बात कर रहा था से लेकर के वे कल नहीं रहे होंगे, इनको करना ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करके या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ये भी आसान लगेगा। आई होप कि वीडियो क्लियर लगा होगा, समझ में आई होगी चीज़ें, अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा वीडियो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन बाय बाय, सी या।